और सहारा इंडिया परिवार सालों से भारतीय खेलों को तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देता रहा है और सिर्फ हाई प्रोफाइल क्रिकेट और हॉकी नहीं बल्कि दूसरे तमाम खेलों को सहारा इंडिया ने प्रोत्साहित किया है। और इसी कड़ी में कल सहारा श्री श्रीबुत राय सहारा ने एमबी वैली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च करने की घोषणा भी की। खेलों से जुड़ना और उनके विकास में योगदान देना सहारा इंडिया परिवार की गौरवशाली परंपरा रही है और ये खेलों से उनके भावनात्मक लगाव को भी दर्शाता है। अगले ओलंपिक खेलों में भारत का मेडल काउंट और बढ़े, इस मकसद से सहारा इंडिया परिवार ने एमबी वैली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। सहारा इंडिया परिवार ने एक योजना बनाई है जो तुरंत क्रियान्वित किया जाएगा। मैं अपने इन तमाम खिलाड़ी साथियों से इसका विचार विमर्श किया और शीघ्र ही एमबी वैली में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओलंपिक सेंटर बनाने जा रहे हैं। 90 के दशक से सहारा इंडिया परिवार खेलों के प्रति समर्पित रहा है। सहारा इंडिया परिवार देश के दो बड़े खेल क्रिकेट और हॉकी का प्रायोजक है, लेकिन जहां देश के बड़े बड़े घराने क्रिकेट से ही जुड़ने में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं, वहीं सहारा इंडिया परिवार पिछले कई सालों से तमाम खेलों को भी बढ़ावा देने में लगा हुआ है। सहारा इंडिया परिवार पिछले कुछ समय से बॉक्सिंग, रेसलिंग, तीरंदाजी, शूटिंग, ट्रैक एंड फील्ड और टेनिस के खेल से जुड़े खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम भी करता रहा है। सहारा ने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहारा इंडिया इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी का आयोजन कर खेल के प्रति अपनी भावना का परिचय दिया था और इसी साल वर्ल्ड जूनियर पावर लिफ्टिंग 1996, 97 और 98 में कनाडा के टोरंटो में सहारा कप क्रिकेट टूर्नामेंट, 1997 में एशिया कप टेनिस, सन 2000 में कोलकाता में सहारा मिलेनियम कप फुटबॉल टूर्नामेंट और 2006 में एमबी वैली एशियन मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित कराया। सहारा ग्रुप की नीति केवल क्रिकेट या हॉकी जैसे बड़े खेलों की तरफ नहीं है बल्कि सभी खेलों को नैतिक और आर्थिक मदद के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की रही है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए 2009 में शुरू किए गए सहारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड के जरिए न केवल नामचीन खिलाड़ियों को सराहा गया बल्कि उभरते हुए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। जबकि 2010 में आयोजित देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में सहारा इंडिया परिवार ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। क्रिकेट, हॉकी और कई ओलंपिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के बाद सहारा इंडिया परिवार ने पिछले साल फॉर्मूला 1 को भी देश में और लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया। यूबी ग्रुप के प्रमुख विजय माल्या के साथ हुए करार में सहारा इंडिया परिवार ने फोर्स इंडिया टीम में $100 मिलियन यानी करीब 490 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके साथ फोर्स इंडिया टीम सहारा फोर्स इंडिया बन गई। इस साल अप्रैल में सहारा इंडिया परिवार ने वॉलीबॉल की मेंस जूनियर और सीनियर टीम को 4 साल के लिए स्पॉन्सरशिप देने का फैसला किया। वाकई भारतीय खेलों के विकास में किसी और कॉर्पोरेट ग्रुप की ओर से ऐसे योगदान की मिसाल नहीं दी जा सकती। समय के लिए लखनऊ से अनिरुद्ध सिंह।